प्रश्न, बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में है? सही जवाब, तुर्की भाषा में। प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? सही जवाब, शाह आलम द्वितीय ने। प्रश्न, ऋग्वेद में दस्युप शब्द किसके लिए आया है? सही जवाब, अनार्यों के लिए। प्रश्न, संयुगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? सही जवाब, काव्य शैली में। प्रश्न, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? सही जवाब, बिंबसार। प्रश्न, चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सही जवाब, मोहम्मद गौरी तथा जेचिन। प्रश्न, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब, धारा नगरी। प्रश्न, महाबलीपुरम स्थित सात रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब, नरसिंह वर्मन ने। प्रश्न, तहकी के हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? सही जवाब, अलबरूनी ने। प्रश्न, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? सही जवाब, मोहम्मद तुगलक ने। प्रश्न, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? सही जवाब, औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। प्रश्न, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेव माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? सही जवाब, शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? सही जवाब, इंद्र की स्तुति में। प्रश्न, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब, यजुर्वेद। प्रश्न, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? सही जवाब, बाबर। प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सही जवाब, सतारा। प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? सही जवाब, लॉर्ड रिपन। प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? सही जवाब, मोहम्मद तुगलक को। प्रश्न, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? सही जवाब, उत्तरापथ। प्रश्न, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? सही जवाब, गुफा संख्या 9। प्रश्न, गुप्त प्रशासन में गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? सही जवाब, महापिलुपति को। प्रश्न, बराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? सही जवाब, शूलिक जाति। प्रश्न, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को शुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? सही जवाब, प्रथम। प्रश्न, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? सही जवाब, इल्तुतमिश के परिवार से। प्रश्न, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? सही जवाब, इद्रार। प्रश्न, अकबर ने 1562 में मैत्ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की, वहां का शासक कौन था? सही जवाब, जयमल। प्रश्न, एग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब, हेनरी विवियन डेरोजियो। प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? सही जवाब, 8 स्तूपों का। प्रश्न, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? सही जवाब, शासन पत्र। प्रश्न, किस इमारत को ताजमहल की फूहर नकल कहा जाता है? सही जवाब, बीबी का मकबरा। प्रश्न, हुजूर दफ्तर क्या था? सही जवाब, पुणे में पेशवा का सचिवालय। प्रश्न, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? सही जवाब, शिव के। प्रश्न, दीवान शाह का क्या कार्य था? सही जवाब, पत्र व्यवहार का कार्य। प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? सही जवाब, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न, लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? सही जवाब, गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? सही जवाब, ललितादित्य मुक्तपीर। प्रश्न, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? सही जवाब, पशु चोरी का। प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? सही जवाब, राजतंत्र। प्रश्न, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? सही जवाब, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न, गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? सही जवाब, लिंगायत संप्रदाय का। प्रश्न, मनु एवं याज्ञवल्क्य के स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? सही जवाब, शूद्रों के समतुल्य। प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? सही जवाब, -1000 तथा 1027 में।